सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी। बात कर रहे हैं हम विज्ञान के 1000 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज की, जो सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारा 12वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोज़ को आप जरूर देखें। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com को विज़िट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPPSC एकेडमी ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। उससे पहले निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप अगर समय लगा रहे हैं तो अपने समय का मैक्सिमम यूज़ कीजिए। और पूरा देखने से आपको जो संबंधित विषय है उसके ऊपर आपकी जो पहुंच है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, किलोवाट निम्न में से किसका मात्रक है? ध्यान दीजिएगा, किलोवाट मात्रक पूछा है। तो वैसे आपको पता होगा किलोवाट किसका मात्रक है। यदि आप अपने घर के बिजली बिल आपने देखा हो, मीटर देखा हो, तो किलोवाट को सिंपली आप यूनिट कह सकते हैं। बिजली के अंदर बिजली की जो यूनिट होती है उसे किलोवाट कहते हैं। किलोवाट घंटा KWH के रूप में लिखा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रक है ये शक्ति का मात्रक नहीं है, विद्युत आवेश का मात्रक नहीं है, विद्युत धारा का मात्रक नहीं, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। एक पर्टिकुलर समय में कितनी विद्युत ऊर्जा यूज़ की गई उसका मात्रक है। तो किलोवाट प्रति घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होगा। शक्ति के मात्रक की हम बात करें तो ये शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। वाट को ही जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड। वहीं विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आप देख लें, किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा की खपत का मात्रक होता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है? ध्यान दीजिए, लिंग सहलग्न रोग क्या होता है पहले तो इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। लिंग सहलग्न रोग वो होता है जब कोई रोग आनुवांशिक रूप से माता या पिता द्वारा बच्चों में आता है, तो वो जो रोग कहलाते हैं लिंग सहलग्न रोग कहलाते हैं, या सेक्स लिंक्ड डिसीज कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है इसमें? इसमें जो है वर्णांधता, या फिर जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और इसके अलावा एक और रंग है जो कि मनुष्य में पाया जाता है जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया। ये दोनों रोग जो हैं वो लिंग सहलग्न रोग हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे माता और पिता के 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से माता के जो गुणसूत्र होते हैं वो वाहक होते हैं इन रोगों के। ध्यान दीजिएगा, वाहक होते हैं, लेकिन ये हमेशा अधिकतर समय ये किस में होता है? पुत्रों में होता है, यानी माता पिता की जो संतान होगी उसके पुत्रों में ये होगा, पुत्रियों में ये रोग नहीं पाए जाते। वर्णांधता भी नहीं पाया जाता सामान्यतः, और हीमोफीलिया भी सामान्यतः पुत्रियों में नहीं पाया जाता। माता के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उसमें होता है, यानी वो वाहक होते हैं इसका, लेकिन ये रोग जो होता है पुत्रों में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अमृत का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? वैसे तो ऐसा कहा जाता है जो धरती पे आएगा वो मरेगा, उसका मरना तय है, लेकिन इनमें से एक जीव ऐसा है जो लगभग अमृत का गुण उसमें पाया जाता है, और उस जीव का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये समुद्री जीव है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। 1 सेंटीमीटर से भी कम छोटा ये जीव होता है, बहुत सरल सा जीव ये होता है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किए हैं तो ये पाया गया है कि आदर्श परिस्थितियों का मतलब ये होता है उन परिस्थितियों में जहाँ इसको किसी से कोई खतरा ना हो। ऐसे तो कोई इसको मार डाले तो मर सकता है, लेकिन जहाँ इसको कोई खतरा ना हो, जहाँ इसे कोई खाए नहीं, जहाँ इसको कोई नुकसान ना हो, वहाँ
वहाँ उस कंडीशन में ये पूरी ज़िंदगी यानी अमर रह सकता है, ये कभी भी बुढ़ापा जैसी इसके अंदर कोई चीज़ें कोई लक्षण वैज्ञानिकों को नहीं मिले हैं। धैन जी का आदर्श परिस्थिति की बाकी ये होता है कि इसको कोई जीव खा जाता है तो उस समय फिर ये जीवित नहीं रह सकता, बाकी ये अमृत का गुण इसके अंदर पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो दलहनी पौधे संबंधित होते हैं, तो दलहनी पौधों की बात करें तो दलहनी पौधे जो होते हैं वो किस कुल से संबंधित हैं। दीजिएगा ये जो लिखा कंपोजिटी सोलेनेसी लेग्यूमिनेसी ये कुलों के नाम हैं, तो दलहनी पौधे जो होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। इसके अलावा दलहनी पौधों के अलावा इसके अंदर जो होते हैं बबूल होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें बबूल लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, इमली आती है, अशोक आता है, इमली और अशोक ये जो पौधे होते हैं ये क्या कहलाते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। वहीं कंपोजिटी कुल की बात करें तो कंपोजिटी कुल के अंदर जो फूल वाले पौधे होते हैं वो सभी कंपोजिटी कुल में आते हैं। सोलेनेसी कुल की बात करें तो आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर ये जो पौधे होते हैं इस तरह के पौधे जो आते हैं सोलेनेसी कुल में आते हैं। ग्रेमिनी कुल की बात करें इसमें खाद्यान्न वाले पौधे आते हैं जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, जो गन्ना इस टाइप के जो पौधे आते हैं वो ग्रेमिनी कुल में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम, एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न संभवतः आपके लिए होगा, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति के अंदर। चलिए विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते क्योंकि, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो तंतु लगा होता है जैसे ही उसमें लाइट पहुंचती है वो चमकने लगता है, लेकिन जो वायर जिनके द्वारा लाइट जाती है वो वायर आखिर क्यों नहीं चमकते, ऐसा क्या होता है इन फिलामेंट्स के अंदर उस तंतु के अंदर। देखिए तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तारों में जितनी धारा बह जाएगी वो क्योंकि तारों से ही तो धारा तंतु में जाएगी, तो तंतु में अधिक धारा होने का मतलब ही नहीं होता, तंतु का जो प्रतिरोध होता है तारों की अपेक्षा कम होता है, ये भी गलत, क्योंकि जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी तंतु जो होता है चमकता है, तो तंतु का प्रतिरोध जो होता है तारों की अपेक्षा अधिक होता है, जो तार होते हैं यानी कि जो वायर होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है इसलिए वो चमक नहीं पाते, जबकि जो तंतु होता है वो इस तरह से आप देखिएगा कितना गोल 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 उसे घुमाया हुआ होता है और जिसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और तंतु जो होता है चमकने लगता है, तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, एक लड़का तब उत्पन्न होता है जब, यानी कि कोई भी जब नर संतान जो उत्पन्न होती है वो कब उत्पन्न होती है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गुणसूत्रों को समझना होगा। देखिए मनुष्यों के अंदर जो होता है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े का मतलब होता है 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र, इनमें से 23 माता के 23 पिता के। अब जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा जो होता है वही तय करता है कि जो संतान होगी लड़का होगा या लड़की होगी। तो ध्यान दीजिएगा पुरुष के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई, जबकि ये पुरुष में पाए जाते हैं जबकि मादा होती है उसके अंदर या महिला जो होती है उनके अंदर एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स एक्स, और जब एक्स और एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तब जो होता है लड़की पैदा होती है, ध्यान दीजिएगा, और जब वाई और एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तब जो संतान होती है वो लड़का होती है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा X बच्चे में एक्स वाई का गुणसूत्र हो, तो यानी कि लड़का होना या लड़की होना पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है, महिला पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको ही दोष दिया जाता है लड़की पैदा होने के लिए, बहुत गलत बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक संरचना वाला अणु है, देखिए रेखिक संरचना वाला जो अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, कोई रेखिक होता है, कोई चार तरफ से मिलता है, कोई छह तरफ से मिलता है एक दूसरे से, तो वो जो कहलाता है रेखिक संरचना वाला अणु कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो CO2 जो होता है वो रेखिक संरचना वाला अणु होता है, किस तरह से कार्बन का उसके अंदर एक अणु होता है और वो दोनों तरफ से किससे जुड़ा होता है ऑक्सीजन से
जुड़ा होता है। जबकि इसके अलावा जितने भी इन सब का स्ट्रक्चर है, इन सब का स्ट्रक्चर अलग तरीके का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम बात करें NO2 की, तो N में और O में ये इस टाइप से जुड़े होते हैं, ये O यहाँ होता है। इसी तरह से SO2 भी अलग तरह से होता है और SiO2 भी अलग तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर है CO2, ये रेखीय संरचना वाला अणु है, यानी एक रेखा में ये संरचना बनाता है। अगले प्रश्न में बात करें तो वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। ध्यान दीजिए, वर्गीकरण की आधार इकाई का मतलब होता है जो वर्गीकरण होता है पादपों के, जो जंतुओं के अंदर, जीवों के अंदर, उसमें अलग अलग तरीके से उन्हें बांटा जाता है। कहीं स्पीसीज, ऑर्डर, कुल, आपने सुना होगा किंगडम, गण वगैरह, ये सब सुना होगा। तो ये किस प्रकार से होता है, इसका आधार इकाई मतलब सबसे नीचे कौन इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो होता है वो जीवन या जगत जिसे कहते हैं, फिर डोमेन जीवन होता है, उसके नीचे डोमेन, फिर जगत होता है, किंगडम जिसे कहते हैं, फिर संघ होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और आखिरी में प्रजाति। प्रजाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज या जाति या प्रजाति। तो इसका सही आंसर है स्पीसीज जो होता है वो वर्गीकरण की सबसे आधार इकाई होती है, सबसे नीचे जाकर प्रजाति को ही गिना जाता है। चलिए, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जावर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो जावर की खाने हैं, जो कि उदयपुर ज़िले में, ध्यान दीजिएगा उदयपुर ज़िले में है ये, और विश्व की सबसे पुरानी खाने हैं जिनसे कि जस्ता निकाला जाता है। विश्व की सबसे पुरानी खानों में से एक हैं, जस्ता निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं राजस्थान की जावर खाने। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा स्थायी चुंबक नर्म लोहे के नहीं बनाए जाते। नर्म लोहे से जो चुंबक बनेगा वो स्थायी नहीं होगा, तांबे के तो बनते ही नहीं, एल्यूमिनियम के नहीं बनते, इस्पात यानी कि स्टील के जो बनते हैं वो स्थायी चुंबक होते हैं। हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं, कब करते हैं, जबकि लिफ्ट, ध्यान दीजिएगा स्थिर गति से यदि लिफ्ट नीचे जाती है तो ना तो हम भार कम करते हैं ना भार ज़्यादा होता है, तो समान भार रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है। जैसे ही ऊपर जाने को जब होती है उस समय की स्थिति में जो होता है हम अधिक भार महसूस करते हैं। ध्यान दीजिएगा जब जैसे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट उठती है तो एकदम से, क्योंकि उसमें त्वरण होता है ऊपर की तरफ, तो हमारा भार बढ़ जाता है। जब स्थिर गति से ऊपर जाती है तो बिल्कुल नहीं होता, भार अपरिवर्तित रहता है। मुक्त रूप से नीचे आ जाती तो इसमें भी नहीं होता। तो सही आंसर है जैसे ही ऊपर जाने को होती है। अगले प्रश्न की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति होती है वो होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसे होती है, जैसे टेट्रा से आप समझ रहे होंगे, टेट्रा का मतलब होता है चार। देखिए, क्लोराइड का मतलब होता है इसके अंदर कार्बन का एक परमाणु होता है, इस तरह से कार्बन का एक परमाणु होता है और वो चारों तरफ से क्लोरीन के चार परमाणु से घिरा हुआ होता है। यहाँ क्लोरीन का परमाणु होता है, यहाँ क्लोरीन का परमाणु होता है, यहाँ क्लोरीन का परमाणु होता है और यहाँ क्लोरीन का, और ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, चतुष्फलकीय, जिसके चार फलक हो, एक दो तीन और चार फलक हों, चतुष्फलकीय व्यवस्था ये कहलाती है। कपास संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा कपास किस वर्ग से संबंधित है इसकी बात की जा रही है। तो कपास जो है मालवेसी वर्ग से संबंधित है। इसमें कपास के अलावा कौन कौन सा और आता है, इसमें आता है भिंडी, गुड़हल, भिंडी, गुड़हल। जबकि क्रूसीफेरी की बात करें तो क्रूसीफेरी के अंदर मूली, सलजम, मूली, शलजम और सरसों आते हैं, इसी तरह के और बहुत सारे आते हैं। कंपोजिटी की बात करें तो कंपोजिटी के अंदर गेंदा आता है और सूरजमुखी आता है। वहीं रेनन्कुलेसी की बात करें तो ये ऐसे हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें से जो पौधे होंगे अधिकतर के आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, जैसे जड़वार की बात करें, निर्वेशी की बात करें, बुलबुली की बात करें, ये जो आते हैं रेनन्कुलेसी में आते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। पहले हम बात कर चुके हैं जस्ता या जिंक की कमी से जो होता है धान का खेरा रोग होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जो चुंबक होती है उसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है दोनों किनारों पर, जबकि मध्य में वो होती है सबसे कम होती है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत विभिन्नताएं नहीं है, जीवन संघर्ष नहीं है, नए अंगों का अचानक विकास नहीं है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। आखिर यह क्या है, उपार्जित अक्षणों की वंशागति जो इसे कहा जाए। इसके अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। लेमार्क ने जो कहा था, लेमार्क साहब का कहना था कि जो सभी जीव होते हैं उनके अंदर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो हाइट जो होती है उनकी हमेशा बढ़ती
आती रहती है। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया था कि जो वातावरण होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है, और इसको उन्हें समझाने के लिए जिराफ का यूज़ किया था। जैसे जैसे पहले जिराफ की गर्दन जो बढ़ाने का उदाहरण उनके द्वारा दिया गया था कि पहले जिराफ नीचे की घास वगैरह खाता था तो उसकी जो गर्दन थी छोटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर ऊपर की जो पत्तियाँ पेड़ पौधे की खाने लगा तो उसकी गर्दन भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और यही कहलाता उपार्जित लक्षणों की वंशा गति। अगले बात करें 293 की, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो द्रवित यानी कि जो लिक्विड सोडियम क्लोराइड होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है? क्योंकि उसके अंदर मुक्त आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं? देखिए, धनावेशित और ऋणावेशित जो अणु होते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है उसके ऊपर कोई जो पदार्थ है वो मुक्त आयन होगा, ऋणावेशित होगा या धनावेशित होगा, वो डिपेंड के कारण उसकी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव उस पर होता है। चाय के पौधे के वानस्पतिक नाम की बात करें तो थिया साइनेंसिस, साइनेंसिस जो है थिया साइनेंसिस, ध्यान दीजिएगा साइनेंसिस थिया नहीं है, साइनेंसिस नहीं है, थिया साइनेंसिस जो है वो चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। किस धातु की कमी होने से त्वचा पर खरोच जैसी दिखने लगती है? तो ध्यान दीजिएगा जिंक, जिंक की अचस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। धान में कम हो गया तो खैरा रोग हो जाएगा, मनुष्य में कम हो गया तो त्वचा जो होती है खरोच, सूखी सूखी खरोच जैसी दिखाई देने लगती है। बच्चे, छोटे बच्चों के अंदर खासकर ये रोग हो जाता है कई बार। अगले प्रश्न की बात करें तो संजात अंग कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा संजात अंग वो अंग होते हैं जिनकी रचना तो समान होती है, यानी कि जो एक जैसे दिखाई दे रचना, जो आंतरिक रचना की बात करेंगे वो समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ, मनुष्य का हाथ और पक्षियों के पर। देखिए, पक्षियों के पर और मनुष्य के हाथ की अगर आंतरिक संरचना देखें तो वो लगभग लगभग एक जैसी होगी, लेकिन इनके द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है, अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है। मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं, जबकि पक्षियों के जो पर होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। तो ये जो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसी का एक और विपरीत होता है समवृत्ति अंग। देखिए, समवृत्ति अंग में क्या होता है, जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो यूज़ होता है वो एक जैसे होता है। इसको आप समझ सकते हैं पक्षियों के पंख के द्वारा और तितलियों के पंख के द्वारा। तितलियों के जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उसके अंदर मांस भी होता है, उसके अंदर जो होता है हड्डियाँ भी होती हैं, लेकिन जो तितलियाँ होती हैं उसके अंदर जो झिल्ली टाइप की एक संरचना होती है, लेकिन दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों का वर्क काम एक जैसा है, वो दोनों उड़ने के काम आते हैं। तो वो कहलाते हैं समवृत्ति अंग, जिनकी संरचना अलग हो लेकिन काम एक करते हैं वो, तो वो क्या कहलाते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है उसके अंदर जो जंग वगैरह लगती है या वो उससे घिसावट होती है वो नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा लोहे के अंदर ऐसा हो जाएगा, तांबा भी कर लेगा, चांदी में भी ऐसा हो सकता है, काली पड़ जाती है, लेकिन जो सोना होता है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता वायु में उसे खुला छोड़ देने पर। चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? वो परागण जो चमगादड़ों के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा एंटोमोफिली उस परागण को कहा जाता है जो कीड़े मकड़ों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा जो होता है उसे एंटोमोफिली, एनिमोफिली उसे कहा जाता है जो वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा जो परागण होता है, आर्थिनोफिली उस परागण को कहा जाता है जो पक्षियों के द्वारा होता है, और चिरेप्टेरोफिली उस परागण को कहा जाता है जो चमगादड़ों के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा जो वृक्ष होते हैं या फूलों के फूल होते हैं उनके अंदर जो होता है परागण होता है जिससे कि फसलें बनती हैं। अनाज वाले पौधे किस कुल के अंदर आते हैं? पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अनाज वाले जो पौधे होते हैं ग्रैमिनी कुल के अंदर आते हैं। मालवेसी कुल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कपास, भिंडी, गुड़हल इसके अंदर आता है। सोलेनेसी कुल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आलू, मिर्च, बैंगन इसके अंदर आता है। और क्रूसीफेरी के बारे में बात कर चुके हैं कि मूली, शलजम, सरसों टाइप के जो पौधे होते हैं वो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। अंतिम प्रश्न की बात करें, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आखिर कृत्रिम वर्षा कैसे होती है और कौन सा वो जो रसायन होता है जिसका यूज़ इसमें किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो चलिए, हमारा ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंकरेज करते हैं
हैं और अच्छा करने के लिए और मेहनत करने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल सके। साथ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उनको भी लिखना आप ना भूलिए। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे डीएनके एकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।